नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम सुपरस्टार सनी देओल के बेटे करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास के 9 दिनों के पूरे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों फिल्म ने इन शुरुआती 9 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई की, साथ ही साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या हो चुका है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, सुपरस्टार सनी देओल के डायरेक्शन में बनी हुई रोमांटिक एक्शन फिल्म पल पल दिल के पास, जिस फिल्म में हमें देखने को मिले हैं सनी देओल के ही बेटे करण देओल, और उनके साथ इस फिल्म में डेब्यू किया है सहर बांबा ने। आपको बता दें दोस्तों, फिल्म को इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर अपना दूसरा हफ्ता चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी डिसेंट कलेक्शन किए थे, लेकिन दूसरा हफ्ता चालू होने के बाद इस फिल्म के कलेक्शन में एक हल्का सा ग्रोथ और देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप सब जानते होंगे कि इस हफ्ते कोई भी बॉलीवुड की फिल्म रिलीज नहीं हुई, जिसका पूरा फायदा पल पल दिल के पास फिल्म को मिल रहा है, और यह फिल्म दूसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ा कलेक्शन कर रही है। अगर बात करें दोस्तों फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं इस फिल्म का बजट। तो दोस्तों, पल पल दिल के पास फिल्म का टोटल बजट है 28 करोड़ रुपए। वही दोस्तों, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लगभग 1500 स्क्रीन में रिलीज किया गया था, लेकिन दोस्तों फिल्म का बजट जहां 28 करोड़ रुपए था, वही फिल्म ने रिलीज होने से पहले अपने डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट बेचकर अपना पूरा बजट रिकवर भी कर लिया था। जी हां दोस्तों, फिल्म के डिजिटल राइट जो बिके थे 10 करोड़ रुपए में, वही सैटेलाइट राइट 12 करोड़ रुपए में, और फिल्म के म्यूजिक राइट 7 करोड़ में बिके थे। यानी कि 28 करोड़ के बजट की फिल्म ने रिलीज होने के पहले 29 करोड़ रुपए कमा लिए थे। अब बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया था 3 करोड़ 70 लाख रुपए का। वही वर्ल्ड वाइड पहले दिन का ग्रोस कलेक्शन आया था 4 करोड़ 50 लाख रुपए। वही दोस्तों, इस फिल्म ने अपने शुरुआती वीकेंड यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार में, इन 3 दिनों में इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया था 14 करोड़ 10 लाख रुपए का। वही वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन फिल्म का रहा था 17 करोड़ 50 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों, फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में यानी शुरुआती 7 दिनों में इंडिया में ग्रोस कलेक्शन कर लिया 19 करोड़ 10 लाख रुपए का। वही वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का पहले हफ्ते का ग्रोस कलेक्शन था 25 करोड़ 50 लाख रुपए। अब बात करें दोस्तों दूसरे हफ्ते के कलेक्शन की, तो फिल्म ने दूसरे हफ्ते में अपने 8वें दिन यानी कि दूसरे शुक्रवार इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया 1 करोड़ 90 लाख रुपए का। वही वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन फिल्म का रहा 2 करोड़ 30 लाख रुपए। बात करें 9वें दिन की यानी कि दूसरे शनिवार के कलेक्शन की, तो दोस्तों ये फिल्म दूसरे शनिवार अपने शुक्रवार से भी ज्यादा कमाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म को आज मॉर्निंग वाले शोज में लगभग 20% की ऑक्यूपेंसी मिली है। वही फिल्म के इवनिंग और नाइट वाले शोज भी काफ़ी अच्छे खासे बुक हो चुके थे। तो दोस्तों, जो अभी तक की रिपोर्ट आई है उस हिसाब से ये फिल्म अपने 9वें दिन इंडिया में ग्रोस कलेक्शन कर रही है 2 करोड़ 10 लाख रुपये का। वही वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन फिल्म का 9वें दिन आ रहा है 2 करोड़ 50 लाख रुपये। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म का अब तक का यानी शुरुआती 9 दिनों का इंडिया का ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 23 करोड़ 30 लाख रुपए। वही वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 30 करोड़ 10 लाख रुपए का। आपको बता दें दोस्तों, फिल्म इस वक्त भी बॉक्स ऑफिस पर कई ज्यादा स्क्रीन पे चल रही है, इसलिए अगर अभी तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो इस फिल्म को देख के जरूर आए। काफी अच्छी फिल्म है, क्योंकि दोस्तों आने वाले 4 से 5 दिनों के बाद ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वार रिलीज हो जाएगी। उसके बाद शायद दोस्तों ये फिल्म पूरी तरह से थिएटर से निकल जाएगी। इसलिए दोस्तों, जब तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल रही है, तब तक इस फिल्म को देख के आइए, बिल्कुल मिस ना करें। और अगर आप ये फिल्म देखकर आ चुके हैं, तो करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास आपको कैसी लगी? सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर या फ्लॉप? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड, साउथ और हॉलीवुड फिल्मों के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।